देश में कोरोना से हालात खराब हैं। हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और यूपी में फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया, साथ ही दिल्ली में मेट्रो सर्विस को भी बंद रखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। लगातार 4 लाख से ज्यादा केस, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना कैसे विकराल रूप धारण कर चुका है। अलग अलग राज्यों में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो सख्ती बढ़ाई जाने लगी, लॉकडाउन लगाना पड़ा। और बावजूद इसके जब राहत की सांस नहीं मिली तो इसकी म्याद और ज्यादा बढ़ा दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर एक बार फिर से फैसला हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली में मेट्रो पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिला। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी आने लगी और पिछले 2-3 दिन में संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% तक आ चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थोड़ी कम होने लगी है। 3 हफ्ते बाद संक्रमण की ये दर थोड़ी सी धीमी पड़ी है। जहां शनिवार को संक्रमण की दर 23.34% थी और इससे पहले 17 अप्रैल को ये दर 24.56% थी। कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरी वश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। वहीं रविवार को इसकी दर और ज्यादा घटने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के हालातों को देखते हुए बाशिंदों पर बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। आलम यह है कोरोना कर्फ्यू का समय और आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, ये 17 मई तक अब जारी रहेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन की मांग तेजी से बढ़ रही है लेकिन पूरे देश में अब तक लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं किया गया। आईएमए ने इस पर नाराजगी भी जताई क्योंकि आईएमए की तरफ से सुझाव दिया गया था कि लॉकडाउन लगाया जाए अगर कोरोना की रफ्तार पर रोक लगानी है। लेकिन जिस तरह के हालात अब पैदा हो रहे हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नजर आ रहा है। फिलहाल देखना यह है कि क्या कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती है या फिर बंदिशें और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।